हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे मास वेस्टिंग के बारे में। मास वेस्टिंग मीन्स वृहत संचलन, यानी बड़े स्तर पर मूवमेंट या संचलन करना, मूवमेंट करना। फर्स्टली इसका क्या है कि आपको मीनिंग है वो जान लेना जरूरी है कि मास मूवमेंट होता क्या है। कि स्थलमंडल के आवरण की यानी लिथोस्फीयर के कवरिंग की ऊपरी असंगठित परत, यानी अपर लेयर जो संगठित नहीं है, ऊपरी असंगठित परत तथा चट्टानी मलबे की, जो चट्टानों का मलबा है, सेडिमेंट्स है, चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्वाकर्षण के सहारे, गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल से नीचे की ओर खिसकना या सरकना है, वो मास मूवमेंट कहलाता है, यानी वृहत संचलन है वो कहलाता है। कि स्थलमंडल के आवरण की ऊपरी असंगठित परत तथा चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ढाल के, यानी स्लोप के अकॉर्डिंग, जैसे हम ये मान लें कि ये स्लोप है, ये असंगठित मलबे की परत है, तो इस असंगठित मलबे की परत का गुरुत्वाकर्षण के सहारे, इस ढाल गुरुत्वाकर्षण कारण इस ढाल के सहारे नीचे की ओर सरकना ही मास मोमेंट है वो कहलाता है। अब मास मोमेंट में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका, कि मास मोमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल है वो क्या होता है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या रोल प्ले करता है मास मोमेंट में। सैल चूर्ण यानी चट्टानों के चूर्ण मिट्टी और मलबे को वृहत स्तर पर, या वृहत स्तर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी बड़े लेवल के ऊपर, बिग लेवल के ऊपर नीचे सरकाने में गुरुत्वाकर्षण की निश्चित रूप से सबसे अहम भूमिका होती है। यानी चट्टानी चूर्ण की विशाल क्वांटिटी को स्लोप के साथ नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करने में ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपोर्टेंट रोल, ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले एन इंपोर्टेंट रोल टू मूवमेंट मास मूवमेंट, वो मास मूवमेंट में एक इंपोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। इसका तात्पर्य यह है कि, अब इसका जो तात्पर्य है, आई दिस मीन टू से दैट, इसका तात्पर्य यह है कि बृहत संचलन में पवन, जल, हिम इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ढोते। यानी मास मूवमेंट में जैसे जो इरोजनल एजेंट होते हैं, पवन, जल, वायु, हिम, नदी, ये क्या आते हैं कि ये एक मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोते हैं, लेकिन इस मास मूवमेंट में क्या होता है कि इरोजनल एजेंट है ये मलबे को या सेडिमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट है वो नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत, इसके अपोजिट सरकता हुआ मलबा वायु, जल या हिम को अपने साथ खींच लाता है। कि मलबे की इतनी बड़ी विशाल मात्रा होती है कि वो मूवमेंट करता हुआ जो मलबा है वो वायु, हिम को अपने साथ है वो खींच लाता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि वृहत संचलन में अपक्षय और अपरदन से संबंध, यानी रिलेशंस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन टू मास मूवमेंट, यानी मास मूवमेंट से अपक्षय और अपरदन का है वो क्या संबंध है। सेलों का अपक्षय वृहत संचलन के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी मास मूवमेंट के लिए क्या है कि मास मूवमेंट के लिए सेलों का अपक्षय होना, यानी टूटना फूटना है वो जरूरी नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा जरूर देता है, लेकिन वो मास मूवमेंट को क्या है कि वो उसको बढ़ावा है वो जरूर देता है। वृहत संचलन अपक्षित यानी इरोडेड ढालों की अपेक्षा अनपक्षित यानी अनइरोडेड स्लोप्स पर अधिक सक्रिय होता है। बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, मगर कोई भी भूआकृतिक कारक जैसे नदी, हिमनदी, पवन, समुद्री लहरें वे धाराएं वृहत संचलन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते। अब इसमें क्या होता है कि मास मूवमेंट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा जो भूआकृतिक कारक है जैसे समुद्री तरंगे, इनका मास मूवमेंट में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ये मास मूवमेंट के लिए कोई जरूरी है वो नहीं है। ठीक है, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वृहत संचलन अपरदन के अंतर्गत नहीं आता, ढाल पर
पड़े पदार्थों की अपनी प्रतिरोधक शक्ति होती है, यानी ढाल के ऊपर जो पदार्थ पड़े हैं उनकी अपनी प्रतिरोधक शक्ति होती है। वे अपने स्थान से तभी टहलते हैं जब उन्हें डिगाने वाले बल अधिक शक्तिशाली हो। अब जैसे मान लो ये स्लोपिंग एरिया है, ये असंगठित मलबा है, ये यहां पर पड़ा है, ठीक है। इस असंगठित मलबे को मूवमेंट करने के लिए नदी या हिमनदी की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन वाटर है वो इसमें जरूर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ये लगा लो कि एज ए ग्रीस का काम करता है वो। लेकिन क्या है कि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है, कि वो धीरे धीरे मलबा है वो ढाल के सहारे नीचे की ओर, एक तो स्लोप मिल जाता है, दूसरा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इसको नीचे की ओर खींचता है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो जरूर इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। और ये जो मलबा पड़ा है, ठीक है, ये जो मलबा पड़ा है इसकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि किसके सहारे ये टिका हुआ है, ये अपनी प्रतिरोधक क्षमता कि कितनी देर तक ये अपने आप को रोक सकता है, इसकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता है वो होती है। वे अपने स्थान पर तभी टहलते हैं। अब ये देखो, ये इस प्लेस से इस प्लेस तक मूव तभी किया जब इसको यहां से यहां तक पहुंचाने वाले फोर्स है, उन्होंने इसको फोर्स है वो किया, उन्होंने इसको बल है वो दिया। वरना नदी हिमनदी और पवन के द्वारा ये एक छोटा टुकड़ा नहीं होता, ये भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो ढलान के साथ है वो स्लोप के साथ, और ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से वो नीचे की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट है वो करता है। उसके बाद आते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग मास मूवमेंट, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मास मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं या मास मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें फर्स्ट आता है आपका टेक का हटना, यानी रिमूवल ऑफ सपोर्ट। जब ऊपर के पदार्थों को सहारा दे रही नीचे की टेक कृत्रिम या प्राकृतिक ढंग से हट जाती है तो मलबे की भारी मात्रा भरभराती हुई नीचे आ गिरती है। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे कि जैसे ये ऊपर की टेक है, ठीक है, और इसको ये नीचे की टेक है, इसने सहारा है वो दे रखा है, नीचे से इसको सपोर्टिंग है वो मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये नीचे की सपोर्ट ये खत्म हो जाएगी तो ऊपर की टेक वो भरभराती हुई नीचे आ गिर जाएगी, ठीक है, और मास मोमेंट है उसको बल मिलता है। अब ये टेक का रिमूव होना ये आर्टिफिशियल से भी हो सकता है, यानी मैन मेड भी हो सकता है और ये नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है आपका वाटर। जल चिकनाई या स्नेहक का काम करके अनुढाल संचलन की प्रक्रिया को आसान बनाता है। वर्ग संचलन में जल की एक और भूमिका भी होती है। जल की मात्रा ढाल पर भार पैदा करती है जिससे मलबे का अपनी जगह से खिसकना आसान हो जाता है। अब जो वाटर होता है वो क्या होता है कि चट्टानों से पानी रिस रिस कर, इन चट्टानों के माध्यम से पानी रिस रिस कर इनमें से नीचे वो आता रहता है, तो इसका जो सरफेस होता है उस सरफेस को चिकना कर देता है और ये मास मूवमेंट के लिए एक आधार यानी एक बेस है वो तैयार कर देता है। थर्ड पॉइंट है आपका ढाल, यानी ढाल का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही, क्योंकि ढाल के सहारे, इस स्लोप के सहारे ही जो मास मूवमेंट है वो नीचे की तरफ मूवमेंट है करता है। अगर ढाल नहीं होगा तो मास मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस अगर आपका स्लोपिंग ज्यादा है और ढाल आपका ज्यादा है तो मास मूवमेंट है वो रैपिडली स्पीड से होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर मास मूवमेंट। ठंडी जलवायु के प्रदेशों में शैल चूर्ण पर बर्फ के कमांतर जमने और पिघलने से भी उनके संचलन की हालत बन जाती है। अब ये देखो, ठंडी जलवायु का जो प्रदेश होता है उसमें लगातार बर्फ गिरती रहती है, बर्फ की लेयर जमती रहती है, धीरे धीरे लेयर लेयर बाय लेयर है वो बर्फ की भी एक मोटी लेयर है वो जम जाती है, तो नीचे की जो चट्टाने होती हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है या दबाव है वो दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने से जो नीचे की चट्टाने वो ढाल के सहारे मूव करना है वो स्टार्ट कर देती है, वो ढाल के सहारे सरकना है वो शुरू कर देती है। उसके बाद फोर पॉइंट है आपका अति भार, यानी ओवरलोड। अब देखो, ओवरलोड अगर उसकी क्षमता से ज्यादा अगर किसी पर भी भार लाद दिया जाता है या वेट लाद दिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि उसको उस वेट को गिराना ही पड़ता है। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें, अगर आपके ऊपर या आपकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड अगर
डाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बहाना मारेंगे, सर ये ऐसे नहीं हो पाया, मैं वहां चला गया था, ये हो गया था, मैं ये काम नहीं कर पाया। तो ऐसे ही अगर हम चट्टानों के ऊपर जब उनकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड बढ़ जाता है, यानी ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड भी मास मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कई बार प्राकृतिक अथवा कृत्रिम तरीके से मलबे की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पन्न अति भार वर्ष संचलन का कारण बनता है। कि कई बार क्या होता है कि या तो नेचुरल रूप से चट्टानों के ऊपर भार है वो बढ़ जाए, या आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे मनुष्य खदाने करके क्या करता है कि असंगठित मलबे को, जब माइनिंग का वर्क करता है तो असंगठित मलबे को बाहर निकालता है, तो असंगठित मलबे को बाहर निकालता है तो दूसरी जगह के ऊपर वो उसका भार है, ओवरलोड है, वो हो जाता है। और बारिश के टाइम पर क्या होता है कि वो जब पानी एक सनहक का कार्य करता है और वो असंगठित विशाल मलबा है वो ढाल के साथ नीचे की तरफ मूवमेंट है वो करता है। भूकंप व विस्फोट यानी अर्थक्वेक एंड एक्सप्लोजन, ये भी मास मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार भूकंप आने से अथवा खनन के लिए विस्फोट करने से अथवा मशीनों के कंपन से भी वर्ष संचलन है वो होता है। अब देखो, मान लो ये ढाल के सहारे, ये असंगठित मलबा है वो यहां पर रुका हुआ है, इसकी अपनी इसकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता है जिसके कारण यह है वो रुका हुआ है। लेकिन अगर अचानक से इस एरिया में आपका वोल्केनिक इरप्शन हो, सॉरी वोल्केनिक नहीं, अर्थक्वेक अगर आ जाए, भूकंप अगर आपका इस एरिया में आ जाता है, तो इस एरिया में क्या है कि एकदम से कंपन पैदा हो जाएगी, और जैसे ही कंपन पैदा होगी इसकी प्रतिरोधक क्षमता है वो कम वीक पड़ जाएगी या लूज पड़ जाएगी, और ये असंगठित मलबा ये ढाल के सहारे सहारे नीचे की तरफ है वो मूव करना है वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये अपनी जगह को छोड़ देगा, अपने प्लेस को यह एग्जिट कर देगा, और अपने प्लेस को एग्जिट करने से ये है वो स्लोप के साथ मूवमेंट करना है वो स्टार्ट कर देगा। और फिर उसके बाद आता है कि भार का हटना, रिमूवल ऑफ लोड, मूल ढाल की सतह से पदार्थों अथवा भार के हटने से भी वर्ष संचलन को हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारी मात्रा में जल का निष्कासन होना, यानी भारी मात्रा में वाटर का निष्कासित है वो होना, हैवी ड्रो ड्राउन ऑफ वाटर, ठीक है, भारी मात्रा में जल का निष्कासन। जब झीलों जलाशयों एवं नदियों से विशाल मात्रा में जल प्रवाह होता है तब वह ढालों और नदी तटों के नीचे से बहकर उन्हें खोखला करता रहता है, इससे वर्ष संचलन की दशाएं उत्पन्न होती है। अगर हम सुपोज करें कि ये यहाँ हिली एरिया में ये ढाल के सहारे है, ये असंगठित मलबा है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, और ये ढाल के सहारे रुका हुआ है, और ऊपर से अगर तेज बारिश हो जाती है, तो तेज बारिश होगी तो क्या है कि पानी है वो ढाल के साथ स्लोप के साथ वो स्पीडली है वो फ्लो करेगा, लेकिन उसकी कुछ क्वांटिटी है वो रिसकर इनमें से नीचे भी जाएगी, ठीक है, नीचे से जाएगी तो नीचे के पदार्थों को खोखला कर देगी, खाली कर देगी, और खाली कर देगी तो क्या होगा, इस नीचे की टेक है वो रिमूव हो जाएंगी, इससे नीचे के जो रॉक्स हैं सेल हैं वो रिमूव हो जाएंगे, रॉक्स और सेल रिमूव होने की वजह से इसको है वो एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा और ये आगे की तरफ है वो मूवमेंट करेगा और मास मूवमेंट को बल मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, यानी मास मूवमेंट के टाइप्स हैं वो क्या हैं। वर्ष संचलन की गति में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। अब वर्ष संचलन यानी मास मूवमेंट की जो स्पीड है उसमें काफी डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है, वो एक वर्ष में कुछ इंच से लगा लो या मीटर से लगा को और कई किलोमीटर तक है वो हो सकती है, यानी वो एक वर्ष में कुछ इंच मूव कर सकता है या कुछ मीटर मूव कर सकता है या वो फिर कई किलोमीटर तक मूव है वो कर सकता है। गति के आधार पर यानी ऑन द बेसिस जो स्पीड जो मास मोमेंट है उसको अलग अलग रूपों में अलग अलग टाइप्स मोटे तौर पर थ्री टाइप्स में उसको वर्गीकृत है वो किया जा सकता है। अब थ्री टाइप्स उसकी है, पहला तो है आपकी मंद संचलन यानी स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट एंड लैंडस्लाइड, यानी मेजर थ्री टाइप्स है उसकी, स्लो मूवमेंट, ठीक है, रैपिड मूवमेंट और लैंडस्लाइड, यानी मंद संचलन, द्रुत संचलन और भूस्खलन। फिर हमने मंद संचलन की उसके चार टाइप, थ्री टाइप्स हैं उसमें है, सोयल क्रीप यानी मृदा विसर्पण, सेल विसर्पण और ढाल मलबा, यानी सोयल क्रीप, रॉक क्रीप एंड स्क्री ऑफ टालस। उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोयल क्रीप के बारे में। शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में
मंद ढालों पर भी गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानों का ऊपरी आवरण नीचे की ओर फिसलने लगता है। वर्षा के जल से सरोवर ऊपर की चट्टानों का बहुत बड़ा क्षेत्र घास के मोटे हुए वृक्षों समेत इस प्रकार स्थानांतरित होने लगता है कि उस जमीन पर खड़े आदमी को एहसास भी नहीं होता। इस प्रकार स्थानांतरित पदार्थ ढाल के आधार तल पर एकत्रित होने लगता है। मृदा विसर्पण को हम मृदा प्रच्छेदिका व प्रत्यर्थी चट्टानों के बड़े खंडों के आवरण या वृक्षों की जड़ों के व्यवहार या टेलीफोन के झुके हुए खंभों द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं। यानी इसमें सोयल क्रीप में क्या होता है कि स्पीड उसकी इतनी स्लो होती है कि खड़े हुए इंसान को उसमें पता भी नहीं चलता कि कब मास मूवमेंट है या हो रहा है। यानी स्लो स्लो स्पीड से मूवमेंट होता है। इसका एहसास हमें तब होता है कि जब टेलीफोन के खड़े हुए खंभे झुक जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ मास मूवमेंट है वो हो रहा है बिल्कुल। यानी स्लो स्लो स्पीड से इसमें मूवमेंट है वो होती है। दूसरा इसमें आता है सेल विसर्पण यानी रॉक क्रीप। वर्षा ऋतु में चट्टानों के ऊपर स्थित सेल चूर्ण और मिट्टी की कमजोर परत का आवरण हट जाने के बाद मौसम के कारक आधार सेल यानी बेड रॉक का विखंडन करना आरंभ कर देते हैं। कि वर्षा ऋतु में चट्टानों के ऊपर का जो आवरण है वो हट जाता है, यानी बेड रॉक के ऊपर जो इरोजनल एजेंट होते हैं वो अपना काम है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वर्षा के पानी के कारण ऊपरी मिट्टी और जो पेड़ पौधों के पत्ते वत्ते होते हैं वो सब हट जाते हैं। विखंडन सेल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव दिन ढाल के अनुसार नीचे की ओर सरकते हैं। अब जो विखंडित पदार्थ होता है, जो इरोजनल एजेंट है वो वर्क करते हैं, चट्टाने टूट जाते हैं, जो विखंडित पदार्थ होता है वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो ढाल के साथ नीचे की तरफ मूव करता है, उसको हम कहते हैं सोयल क्रीप। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्क्री ऑफ टालुस यानी ढाल मलबा या पाद मलबा। पर्वतीय ढलानों पर छोटे बड़े अनेक आकार के सेल खंडों के ढेर जमा हो जाते हैं जिन्हें ढाल मलबा या पाद मलबा कहा जाता है। यानी पर्वतीय ढलानों पर, ये पर्वतीय ढलान है, इसके ऊपर अनेक छोटे छोटे आकार के सेल चूर्ण हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ढाल मलबा, यानी ढाल के ऊपर जमा किया हुआ मलबा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी सेकेंड टाइप्स आती है रैपिड संचलन यानी द्रुत संचलन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण मृदा या चट्टान का अचानक एवं तीव्र गति से संचलन अत्यंत हानिकारक होता है। मलबे के द्रुत संचलन के लिए वर्षा के जल अथवा हिम के पिघले जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या होता है कि रैपिड मूवमेंट में इसमें बहुत तेज गति से मास मूवमेंट है वो होता है। इसके लिए क्या होता है कि या तो वर्षा के जल या बर्फ है उसके पिघले हुए जल की आवश्यकता है वो होती है, जिसके कारण चट्टाने हैं वो तेज गति से, या ये कहें कि हम जो अवसाद है वो तेज गति से मूवमेंट है वो करता है। अब जो रैपिड मूवमेंट है वो फोर टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है आपका सोयल फ्लो। आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में जल से संतृप्त मिट्टी, ऊपरी भाग का चट्टान चूर्ण, चिकनी मिट्टी तथा सेल मृतिका आदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा तीव्र गति से कुछ ही घंटों में ढाल के नीचे की ओर खिसक जाते हैं। इसे मृदा प्रवाह कहते हैं। किसमें क्या होता है कि सोयल में कि कुछ ही घंटों में सोयल फ्लो में कि कुछ ही घंटों में चट्टानों का चूर्ण या ये कहो कि जो मलबा वगैरह होता है वो कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर तक नीचे सरक जाता है। यानी इतनी तेज गति से मूवमेंट होता है कि बहुत तेज गति से और कुछ ही घंटों में काफी नीचे तक सरक जाता है, इसको हम कहते हैं सोयल फ्लो। फिर आता है सेकेंड है इसमें पंख प्रवाह यानी मड फ्लो। वनस्पति आवरण के अभाव और भारी वर्षा के कारण सैल पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं और मूल स्थान की ढाल से अलग होकर प्लास्टिक परत की भांति निश्चित वाहिकाओं में बहने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर वनस्पति का आवरण नहीं होता तो जो सैल मलबा होता है वो पानी के साथ संतप्त होकर और वाहिका में इन नालियों में जैसे इन नालियों में बहना है वो स्टार्ट कर देता है, वाहिकाओं में बहना है वो शुरू कर देता है और अपने मूल स्थान से अलग होकर हो जाता है। यह भाव धीमा भी हो सकता है और तीव्र भी। जब यह कीचड़ कि नदी सी वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपद प्रदेश होता है यानी फुट प्लेस नीचे, ठीक है, गिरिपद प्रदेश
अथवा मैदान में पहुंचती है तो मकानों, पुलों, सड़कों व अन्य संरचनाओं को विध्वंस कर देती है। पंख पर वास्क्रिय ज्वालामुखी अथवा कभी कभी हो चुके उद्भेदन वाले ज्वालामुखी की ढलानों पर प्राय देखने को मिलते हैं। अब ये वाहिकाओं में कीचड़ मिट्टी है, इन वाहिकाओं से बहते हुए वो नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे की तरफ उसकी स्पीड है वो तेज होने के कारण जो नीचे मकान वगैरह होते हैं वो उनको ध्वस्त कर देता है, उनको तोड़ देता है। और इस प्रकार का जो मड फ्लो होता है वो एक्टिव वोल्केनिज होते हैं उन पर देखने को मिलता है, जहां पर या कभी एक्टिव थे फिर अब शांत हो गए, यानी ज्वालामुखी के जो ढलान वाले क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार के प्रवाह का है वो देखने को मिलता है। फिर आता है आपका मलबा अवधाव यानी डेब्रिस एलावांचे, यह द्रुत संचलन आर्द्र प्रदेशों में जिनमें वनस्पति का आवरण हो या न हो पाया जाता है, यानी यह उन प्रदेशों में पाया जाता है मलबा आवरण जहां पर वनस्पति का आवरण हो, आर्द्र प्रदेशों में, नमी वाले प्रदेशों में जहां पर वनस्पति का आवरण हो या ना हो यह उन क्षेत्रों में है वो पाया जाता है। यह मलबा तीव्र ढालों पर संकरे मार्गों से बहता है। फिर फोर्थ आता है आपका मृदा सरपण यानी अर्थ स्लाइड, इसमें भूमि का एक पूरा का पूरा विशाल ब्लॉक पर्वत या पहाड़ी के नीचे की ओर खिसकता है। यह टूटकर खंडित नहीं होता बल्कि पूरा ब्लॉक ही साबुत रहता है। यह खिसकी हुई भूमि मार्ग में कितने ही लंबे अथवा थोड़े समय तक रुकी रह सकती है। अब इसमें क्या होता है कि अर्थ स्लाइड में किसमें, जैसे मान लो कि पूरा का पूरा भूमि का एक टुकड़ा होता है कि जैसे कि विशाल भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये फ्लो के साथ नीचे की तरफ फ्लो करना वो स्टार्ट करता है। यह टूटता नहीं है, ये पूरा का पूरा एक साथ फ्लो है वो करता है, और अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो ये पूरा का पूरा टुकड़ा है वो कुछ देर के लिए या फिर ये कहें कि हम कई महीनों के लिए या कई सालों के लिए रुका है वो रह सकता है। अब इसका थर्ड पार्ट है यानी लैंड स्लाइड, कि लैंड स्लाइड भूमि के एक विशाल टुकड़े का अचानक से गिरना ही भूस्खलन है वो कहलाता है। भूस्खलन है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका सैल संकलन यानी रॉक स्लाइड। भूस्खलन की सभी प्रकार की सैल संकलन का सबसे अधिक महत्व है। पहाड़ों से बड़े बड़े शिलाखंड अपनी जगह से खिसक कर भ्रंश तल यानी फॉल्ट प्लेन या बेडिंग प्लेन के सहारे लुढ़कते फिसलते नीचे आते हैं। क्या होता है कि इसमें कि बड़े बड़े भूमि के बड़े बड़े टुकड़े वो फॉल्ट के सहारे लुढ़कते हुए नीचे की तरफ है वो आते रहते हैं, यानी सैल संकलन में रॉक स्लाइड में ब्लॉक के रूप में गिरता है। सॉरी, ब्लॉक के रूप में नहीं, ये अब इसमें सेकंड आ जाएगा आपका अवसर्पण स्लंपिंग। अवसर्पण की क्रिया वर्काकार तल पर घूर्णी गति के फल स्वरूप घटित होती है। इसमें चट्टान का संकलन ढाल के सहारे रुक रुक कर होता है और कम दूरी तक होता है, कि जैसे ये ढाल है, इसमें चट्टान का जो सर्पण है वो ढाल के सहारे होता है और वह रुक रुक कर होता है, और वह कई बार तो क्या होता है कि ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक वो मूव कर जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही मूव करता है, या फिर ऐसा होता है कि वो रास्ते में ही रुक जाता है। जिस ढाल पर चट्टान का सर्पण होता है उस पर सीढ़ी नुमा छोटी छोटी वेदिकाएं बन जाती है। भारत में अवसर्पण के उदाहरण पश्चिमी तट पर चेन्नई और विशाखापट्टनम के बीच तथा पूर्वी तट पर केरल के कोनिक के निकट मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें रॉक फॉल यानी सेल पाथ। सेल पाथ की क्रिया सेल संकलन से मिलती जुलती है, यानी रॉक स्लाइड से प्रक्रिया है वो मिलती जुलती है। अंतर केवल यह है कि सेल पाथ में किसी खड़े ढाल वाले क्लिप के से विशाल सेलखंड अकेले ब्लॉक के रूप में गिरता है। गिरने वाला खंड का आकार एक गोलासम जितना छोटा भी हो सकता है और गांव के आकार का बहुत विशाल भी। अब इसमें क्या होता है कि जो रॉक फॉल की प्रक्रिया है वो बिल्कुल रॉक स्लाइड की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। अब इसमें भी जब ऊपर से ढाल के सहारे मूव करता है गोलासन, तो उसका होता है कि वह इसमें तो पूरा
रॉक स्लाइड में तो पूरा एक विशाल टुकड़ा होता है, ठीक है। जैसे ये रो ये हम मान लेते हैं कि ये चट्टान है, इसके सारे ये मूव कर रहा है, तो रॉक स्लाइड में क्या होता है, पूरा एक विशाल चट्टानी टुकड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि रॉक फॉल में कि वह एक बॉल के आकार का छोटा भी हो सकता है और वह एक इतने आकार का भी हो सकता है कि जिस पूरा का पूरा एक गांव हो, इतने बड़े आकार का भी है वो हो सकता है, और वो ब्लॉक के रूप में है वो नीचे गिरता है, यानी पूरा का पूरा है वो एक साथ नीचे की तरफ मूव करता है या नीचे वो फॉल करता है। उसके बाद लास्ट आता है आपका मलबा संकलन डेब्रिस स्लाइड। मलबा संकलन वह शैल चूर्ण होता है जो अपने मूल स्थान से हटकर ढाल के नीचे की ओर खिसकता हुआ किसी अन्य स्थान पर दोबारा एकत्रित हो जाता है। अब यानी इसमें क्या होता है कि ये मलबा संकलन यानी डेब्रिस स्लाइड में कि जैसे ये मूल पदार्थ, ये पदार्थ है, ये अपने स्थान से खिसक गया, ये इधर खिसक गया, यहाँ जमा हो गया, या हम ये कहें कि यहाँ आकर ये सारे हैं वो यहाँ जमा होना है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डेब्रिस स्लाइड।